The Dawn Express, Aina Sashka. बालाकोट एयर स्ट्राइक का आज पूरा एक साल बीत चुका है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा, घर में घुसकर मारने का दिया आदेश। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। बालाकोट कैंप बीते साल 26 फरवरी तड़के वायुसेना के एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था। पहली बरसी से पहले पाकिस्तान में बालाकोट कैंप की मरम्मत कर उसमें कुछ ढांचागत बदलाव किए हैं। वहीं एक वर्ष पूरे होने पर पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा कि एक साल बीत चुका है और हम संतुष्ट हैं, उसके पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। बालाकोट के संचालन के बाद बहुत सारी चीज़ें लागू हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम संदेश देना चाहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे, चाहे आप कहीं भी हों, अन्यथा हम उन पर अपने क्षेत्र में भी हमला कर सकते हैं। BS धनोआ ने कहा, मूल रूप से ऑपरेशन हमारे तरीके से एक बदलाव किया गया है। दूसरे पक्ष ने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसमें हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि बालाकोट हवाई हमले के बाद पूरे भारतीय चुनावों में कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि वे डर गए हैं कि हमें फिर से उसी तरीके से या उससे अधिक विनाशकारी की तरीके से जवाब ना मिल जाए। बता दें कि भारत पाकिस्तान पुलवामा हमले में शहीद 40 जवानों की शहादत का बदला 26 फरवरी 2019 के दिन तड़के 3:30 पर सुबह बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान बालाकोट पर 26 फरवरी को 2019 को एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें बहुत सारे आतंकी मारे गए।